ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार रिएक्शन मोड में है। कल से मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है। आधे मिनट में देखिए पूरी खबर। कोरोना के दो झटके झेलने के बाद देश सतर्क है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण केस है, जिसे देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की। नए साल के मौके पर 31 जनवरी से सेलिब्रेशन पर आज महाराष्ट्र सरकार गाइडलाइन जारी कर सकती है। इधर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने समेत कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी भरोसा दिया है कि वो हालात से निपटने के लिए तैयार हैं और लगातार समीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 1 बजे डॉक्टर्स के साथ हालात की समीक्षा के बाद कोई फैसला ले सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आधे मिनट में देखिए कोरोना से जंग की कैसी रही पहली रात, देखिए इस रिपोर्ट को। कोरोना कर्फ्यू चालू हो चुका है, सभी दुकानदार अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद करके चले गए। एक बार फिर वही सुनसान सड़के, वीरान इलाके और सन्नाटे की चीरती रातों का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य की शिवराज सरकार के आदेश के बाद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई दुकानदारों को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अपने रूटीन टाइम के हिसाब से खोले हुए थे, जिनको आज हम समझाइश देकर पहले दुकानों को बंद करा रहे हैं। और उसके बाद यदि कल से जब ये रूटीन में आ जाएगा, उसके बाद नहीं मानेंगे तो फिर हम इसमें सख्ती का पालन करते हुए और दुकानों को समय पर बंद कराएंगे। और एमपी की राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू का कैसा है माहौल, आधे मिनट में बता रहा हमारे संवाददाता मकरंद काले। कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में इस समय मौजूद हैं और यहां पर जो प्रतिष्ठान रात 11 बजे के बाद भी खुले रहते थे, अब उन्हें पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार यहां पर मॉनिटरिंग भी कर रहा है। आदेश को देखते हुए पब्लिक का आवाज हुआ है, तो हालांकि पब्लिक भी जागरूक है, समझ रही है पब्लिक, प्रशासन का साथ भी दे रही है। चलिए, कई लोग ऐसे हैं हालांकि जिनको जानकारी शायद नहीं होगी क्योंकि आदेश आज ही जारी हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसको और सख्ती से लागू कराया जाएगा। और जाहिर है कि कलेक्टर के 144 के आदेश हो चुके हैं, लिहाजा अगर कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में नाइट कर्फ्यू का हाल कैसा रहा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। चौक चौराहों पर सर्द रात के साथ लॉकडाउन का साया फिर गहराने लगा है। सीएम शिवराज ने कल दोपहर में नाइट कर्फ्यू का फैसला किया, जिसकी वजह से कई लोगों ने जानकारी नहीं होने की शिकायत की। कर्फ्यू की पहली रात होने की वजह से अधिकारियों ने केवल चेतावनी दी। ग्वालियर में भी प्रशासन एक्शन में दिखा। अचानक लगे नाइट कर्फ्यू पर दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों ने एतराज जताया है। उनका कहना है कि पहले से ही महंगाई और कोरोना की मार झेल रहे व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जबलपुर के तीन पत्ती चौक, ओमती, मालवीय चौक, गढ़ा बाजार, फुहारा चौक पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।